नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम महामुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। किसने तंज कसा, किसने निशाना साधा और क्या है चुनावी माहौल, जानने के लिए देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मंगलवार को होने वाले चुनाव के लिए सभाओं, रैलियों, नारों का शोर रविवार शाम को थम गया। मंगलवार को होने वाले तीसरे चरण के मतदान में देश भर के 11 राज्यों में कुल 93 सीटों के लिए मतदान होगा। तो तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो चुनाव प्रचार पहले ही थम गया रविवार को। अब चुनाव की अगर हम बात करें तो वोटिंग जो है वो 7 तारीख को होनी है और अलग अलग राज्यों की कितनी सीटें हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। कर्नाटक की 14 सीट हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे तीसरे चरण में। महाराष्ट्र की 11 सीट हैं जहां पर तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। तो तीसरे चरण का ये चुनाव उत्तर प्रदेश की 10 सीट है, 10 सीटों पर यहां पर वोट डाले जाएंगे और काफी दिग्गजों की साख इस बार दांव पर है। मध्य प्रदेश की 9 सीट है जहां पर वोट डाले जाएंगे तीसरे चरण में। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कौन कौन से राज्य की कितनी सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होना है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटें हैं, गुजरात की भी अगर हम बात करें गुजरात की 25 सीट है, बिहार की 5 सीट है, पश्चिम बंगाल की भी 4 सीट है। तो तीसरे चरण का ये चुनाव ग्राफिक्स के जरिए अलग अलग राज्यों की सीटें हम बता रहे हैं जहां पर तीसरे चरण में मतदान होना है। इधर ओडिशा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी पर जमकर बरसते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार बीजेडी जाएगी और बीजेपी आएगी। वहीं झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। ये उत्साह साफ साफ बता रहा है कि इस बार बीजेडी जाएगी, बीजेपी आएगी। उड़ीसा में पहली बार डबल इंजन सरकार, उड़ीसा रे प्रथम थर हैव अ डबल इंजन सरकार। ओडिशा को भाजपा का पहला सीएम मिलेगा और ये भी लिख रही है सीएम कौन बनेगा, यहां का उड़ीसा का ही, उड़ीसा का बेटा या उड़ीसा की बेटी। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़ लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान बचाने का चुनाव है, बीजेपी और आरएसएस इसे खत्म करना और बदलना चाहते हैं। बीजेपी के लोग इसे बदलने के लिए 400 सीटें चाहते हैं, 400 तो छोड़िए, उन्हें 150 सीट भी नहीं मिलेगी, ये कहना है राहुल गांधी का। ये जो चुनाव हो रहा है ये संविधान बचाने का चुनाव है, ये हिंदुस्तान का संविधान है, इसको बीजेपी और आरएसएस
खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, फेंक देना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन इस संविधान की रक्षा कर रहा है, इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था, 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। रिजर्वेशन किससे छीनेंगे? आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से, इन लोगों से रिजर्वेशन छीना जाएगा। और मैं आपको स्टेज से कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, अरबपतियों को पैसा दिया। हमने मन बना लिया है कि अगर वो अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं तो हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पैसा दे सकते हैं। भाइयों और बहनों, उन्होंने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, दीदी बीजेपी को हराने के लिए दुर्गापुर में 15 दिन से कैंपेनिंग कर रही है, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि यहां 5 साल भी रह जाएंगी तो भी दुर्गापुर नहीं जीत पाएंगी। भाइयों और बहनों, दीदी यहां 15 दिन से कैंप कर रही है कि दुर्गापुर में भाजपा को हरा दे। दीदी, मैं आपको चैलेंज देकर जाता हूं, 15 दिन छोड़ो, पूरे 5 साल यहां रह लो तो भी दुर्गापुर नहीं जीत पाओगी, नहीं जीत पाओगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ भगवान राम के भक्त हैं तो दूसरी तरफ राम द्रोही हैं। कांग्रेसियों की मति मारी गई है जो ये राम का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ भगवान श्री विष्णु के ही अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त हैं और दूसरी तरफ राम द्रोही हैं। आज आपने देखा होगा, कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता के खिलाफ इसलिए कार्रवाई कर दी क्योंकि उनकी प्रवक्ता अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए गई थी। अब आप सोचो, इन कांग्रेसियों की मति मारी गई है, भगवान का विरोध कर रहे हैं, भगवान का विरोध कर रहे हैं। और यही मैं कहने के लिए आया हूं, एक तरफ राम की सत्ता पर, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल है और दूसरी तरफ राम का द्रोह करने वाले, राम के द्रोह करने वाले की दुर्गति हमेशा तय है। और बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव 2024 इस बात का साक्षी एक बार फिर से बनने जा रहा है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीआरएस और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा, दोनों परिवारवाद और भ्रष्टाचार के जमावड़े हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पर हैं के कविता जेल में है, या बेल और जेल सब भ्रष्टाचारियों का खेल है। ये बीआरएस कांग्रेस पार्टी, ये दोनों परिवारवाद और भ्रष्टाचार के जमावड़े हैं। दोनों भ्रष्टाचारी हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी परिवार की पार्टी बन गई, या केसीआर केटीआर कविता परिवार की पार्टी। और देखो, राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, और यहां के कविता जेल में। ये बेल और जेल, ये सब भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे हुए।
और आजकल क्या बोलते हैं कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण को खतरा है, रिजर्वेशन को खतरा है। अरे चोरी करो तुम, डाका डालो तुम, और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को नामांकन दाखिल किया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मनोहर लाल ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीट और करनाल विधानसभा सीट जीतने का दावा किया है। आपको बता दें, नामांकन से पहले सीएम और पूर्व सीएम ने रोड शो भी निकाला था। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ सीएम का नामांकन तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम का नामांकन। यहां पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा के लिए विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन किया है, तो पूर्व सीएम ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया है। करनाल सीट पर नामांकन करते हुए नजर आए सीएम, और यह तस्वीर आप देख रहे हैं। और आज सभी नामांकन 11 के 11 पूर्ण हुए हैं। मैं सभी हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मार्जिन के साथ सभी हमारे सांसद प्रत्याशी हमारे बड़े मार्जिन से जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। देखिए, जो काम किए हैं 10 वर्षों में, उन 10 वर्षों में टक्कर कहीं दिखाई नहीं देती, परंतु कांग्रेस जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, उसका भी लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोल करके लोगों को बरगला रही है, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने और जो डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं वो लोगों के सामने हैं। 8 पहले हो गए थे, 3 नामांकन आज हुए हैं, 1 फरीदाबाद में हुआ है, 2 यहाँ करनाल में लोकसभा और करनाल विधानसभा, ऐसे दोनों नामांकन आज यहाँ किए हैं। आज जनता में भरपूर उत्साह आप सब लोगों ने देखा है, इस प्रकार का उत्साह हर एक नामांकन में देखा गया है, और इस जनता के उत्साह को देख करके मैं दावे से कह सकता हूं कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें और करनाल विधानसभा सीट 11 की 11 सीटें एक बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे, और 4 जून को 11 कमल के फूल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालें। देखिए, ये जनता बताएगी, ना कांग्रेस बताए, ना हम बताएं, ना आप बताएं, आखिर विश्वास तुमको जनता पर करना पड़ेगा, और जनता जो कुछ करेगी वो आपके भी सामने आएगा, कांग्रेस के भी सामने आएगा। हरियाणा में लोकसभा चुनाव करीब आते आते चुनावी रैलियां, जनसभाओं का सिलसिला तेज हो गया है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई, नेता और उम्मीदवार अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच जा रहे हैं। आपको बता दें कि चुनावी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, और क्या कुछ बयानबाजी हो रही है इस दौरान, देखिए रिपोर्ट। बढ़ती गर्मी के साथ हरियाणा में चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है। चुनावी तैयारियों के साथ साथ सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी तेज हो गया है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपने अपने मुद्दों को धार देने में जुटे हैं। नामांकन के अंतिम दिन कई दिग्गजों ने नामांकन पत्र दाखिल किया तो अपनी अपनी जीत का दम भरा। सीएम नायब सिंह सैनी ने करनाल विधानसभा उपचुनाव, तो पूर्व सीएम मनोहर लाल ने करनाल लोकसभा का नामांकन पत्र दाखिल किया। फिर एक बार विरोधियों पर वार करते हुए सभी 10 लोकसभा सीट और करनाल विधानसभा उपचुनाव जीतने का दावा किया गया। और आज सभी नामांकन 11 के 11 पूर्ण हुए हैं। मैं सभी हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मार्जिन के साथ सभी हमारे सांसद प्रत्याशी हमारे बड़े मार्जिन से जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। देखिए, जो काम किए हैं 10 वर्षों में, उन 10 वर्षों में टक्कर कहीं दिखाई नहीं देती, परंतु कांग्रेस जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, उसका भी लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोल करके लोगों को बरगला रही है, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने और जो डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं वो लोगों के सामने हैं। 8 पहले हो गए थे, 3 नामांकन आज हुए हैं, 1 फरीदाबाद में हुआ है, 2 यहाँ करनाल में लोकसभा और करनाल विधानसभा, ऐसे दोनों नामांकन आज यहाँ किए हैं।
आज जनता में भरपूर उत्साह आप सब लोगों ने देखा है, इस प्रकार का उत्साह हर एक नामांकन में देखा गया है और इस जनता के उत्साह को देख करके मैं दावे से कह सकता हूँ कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें और करनाल विधानसभा सीट 11 की 11 सीटें एक बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे और 4 जून को 11 कमल के फूल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालें। देखिए ये जनता बताएगी, ना कांग्रेस बताए, ना हम बताए, ना आप बताएं, आखिर विश्वास तुमको जनता पर करना पड़ेगा और जनता जो कुछ करेगी वो आपके भी सामने आएगा, कांग्रेस के भी सामने है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में लोकसभा सीटें जीतने के साथ साथ कांग्रेस की हवा होने और मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में होने की बात कही। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गुटबाजी की तस्वीरें सामने आई तो बीरेंद्र सिंह ने जेपी की ओर से उनके कार्यकर्ताओं से बात न करने को लेकर नाराजगी जाहिर की। ये शिकायत थी कि जो हमारा यहाँ का प्रत्याशी है कांग्रेस का वो संपर्क नहीं कर रहा और हम ये चाहते हैं कि एक कार्यकर्ताओं की बड़ी मीटिंग जिसमें 4-5 हजार कार्यकर्ता उचाणा हल्के से हों और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो वो ये चाहते हैं कि जो प्रत्याशी हैं हिसार से वो उनके बीच में बैठें, उनसे बात करें वोट मांगने के लिए और मदद करने के लिए ये काम करें। तो कार्यकर्ताओं की इच्छा हमेशा ये होती है कि अगर इलेक्शन के समय में भी उनकी कोई बात नहीं गौर करेगा तो उनको इस बात की तकलीफ होती है। तो मैंने ये कहा है कि मैं इसीलिए आज कार्यकर्ताओं को बुलाया था और मैंने ये कहा था कि 3 बजे तक का आज नॉमिनेशन पेपर का आखिरी दिन है, अगर आप कहो तो मैं हमारे जो प्रत्याशी हैं हिसार से कांग्रेस के उनके साथ फार्म भरवाने चला जाता हूँ और अगर आपका यही विचार है कि आप सारे कार्यकर्ता हजारों की संख्या में इकट्ठे होके प्रत्याशी को अपने बीच में बुला के उनसे बात करें और वो आपसे प्रार्थना करें, आपसे कहे कि आप कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को जिताने के लिए समर्थन करो तो आप तो सभी की राय ये पड़ी कि ये सही तरीका है। जाहिर है लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर के साथ साथ हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी दल जीत का दम भर रहे हैं। बहरहाल देखना ये है कि हरियाणा की जनता दिग्गजों की किस्मत का क्या फैसला लेती है। न्यूज डेस्क हरियाणा न्यूज। सिरसा विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि देश में मोदी मैजिक चल रहा है, सनातन धर्म की रक्षा और बच्चों के भविष्य की खातिर जनता प्रधानमंत्री मोदी को वोट देगी। इसके साथ ही विधायक गोपाल कांडा ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष में दम नहीं है, कांग्रेस में सब अपनी अपनी डुगडुगी बजाते हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का पार्ट है। हरियाणा के अंदर 2 पार्टियां थी एनडीए में हरियाणा की, उनके अलग होने के बाद जेजेपी के हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का पार्ट है। उस नाते हमने जब किसी के साथ हमने उसका साथ देने का वायदा किया है तो कोई भी काम मेरा कंडीशनली नहीं होता। कंडीशन से हमने दिल से साथ हैं और वो रोल हमने अपना अदा किया और नामांकन के दौरान पूरे शहर ने और आप सब भाइयों ने देखा कि कैसे एचएलपी के सभी साथी, सभी वर्कर, जितने भी हमने गांव से सभी जिन लोगों को इनवाइट किया, बुलाया, वो सभी लोग आए हैं। पूरे देश को और पूरे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी, सबको मालूम है कि एक बार फिर मोदी सरकार और हिंदुस्तान में मोदी जी आ रहे हैं। सीटों की मैं बात नहीं करता कि 300 से आ रहे हैं, 400 पार से आ रहे हैं, 500 पर। लोगों ने पूरा मन बनाया हुआ है कि भारी बहुमत से एक बार हमने फिर मोदी जी को इस देश को उनके सुरक्षित हाथों में सौंपना है। पहले दिन से ही लगता है कि लोगों ने मन बनाया हुआ है कि हमने एक बार फिर मोदी जी को बहुत ज़्यादा भारी बहुमत से जिताना है और ये सब वोट हमें भी यहाँ कमल के निशान का बटन दबेगा और फूल जाके सीधा मोदी जी की झोली में गिरेगा और बहुत भारी बहुमत से सिरसा की भी जीत होगी। लहर क्या लहर, तो वो खुद ही नहीं मानते कांग्रेस वाले, जो
इनके बड़े लीडर हैं वो खुद ही नहीं मानते, वो कभी ईवीएम की बात कर देते हैं, कभी किसी चीज़ की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। पूरे देश को और पूरे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी सबको मालूम है कि एक बार फिर मोदी सरकार और हिंदुस्तान में मोदी जी आ रहे हैं। सीटों की मैं बात नहीं करता कि 300 से आ रहे हैं, 400 पार से आ रहे हैं, 500 पर लोगों ने पूरा मन बनाया हुआ है कि भारी बहुमत से एक बार हमने फिर मोदी जी को इस देश को उनके सुरक्षित हाथों में सौंपना है। वीरेंद्र सिंह अपनी अलग डुगडुगी बजाते हैं, किरण चौधरी अपनी डुगडुगी बजाते हैं, इस सब के बीच में आप कांग्रेस का भविष्य कैसे देखते हैं? देखो, कल ही जो समैन गांव में हुआ है वो भी आप सबको मालूम होगा। तो यहाँ क्या है कि हमेशा ही इनकी आपसी लड़ाई जो है कांग्रेस की वो बहुत बड़ी बात है, आपस में ही लड़के आपसी फूट के कारण, और वही अब है। अब ये ना बोलने चाहें पर अंदरूनी क्या है आपको ही मालूम है कि क्या हालत है। इन डब्बावाली में कल उनकी रैली है, गोरीवाला में शायद उनकी रैली है, उसके बाद में सिरसा आएंगे, सिरसा के लोगों से मिलेंगे, यहाँ निशुराज में रुकेंगे और यहीं हम एक रात को उनके डिनर का प्रोग्राम कर रहे हैं। शहर के लोगों से मिलवाएंगे, शहर के जो काम हैं उनके बारे में उनसे बात करेंगे कि इलेक्शन के बाद में जो शहर के कुछ काम रुके हुए हैं। वैसे तो उन्होंने अभी इंटरव्यू में मेडिकल कॉलेज के लिए खुद ही कहा, जब आए थे नामांकन के टाइम उन्होंने खुद ही कहा कि सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, वो आप लोगों ने कहीं दिखाया नहीं, जबकि लोगों को और हमारे शहर को इस मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि जल्द से जल्द ये शुरू हो और सभी के काम आएगा ये। तो ऐसे कुछ काम जो पेंडिंग है वो हम उनसे पूरे करवाएंगे, क्योंकि राजनीति में धर्म, हरियाणा लोकहित पार्टी का भी तो यही नारा है कि राजनीति कभी भी धर्म के बिना नहीं हो सकती। भगवान राम की बात करें या किसी की बात करें, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और मोदी जी तो वैसे ही, ये कुछ लोग हैं जो मोदी जी, योगी जी, मनोहर लाल जी, जो देश को, राष्ट्र को समर्पित हैं, ऐसे लोगों से ये देश चल रहा है। तो हम NDA का जो हिस्सा होने के नाते हरियाणा लोकहित पार्टी की सोच भी यही है कि राजनीति में धर्म के साथ जो राजनीति करेगा वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा और वो कभी भी अन्याय नहीं करेगा। और ये तो सिर्फ अपने देश के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए और देश सुरक्षित रहे इसलिए काम कर रहे हैं, और हम इनका पार्ट होने के नाते इनके साथ। देखो, वोट तो इंसान का कर्तव्य है, उसका फर्ज है कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इसी से हमारे बच्चों का, हमारे देश का भविष्य तय होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मतदान आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, और मतदान इसीलिए बोलते हैं कि दान उसी व्यक्ति को करें जहाँ सार्थक हो, अपना वोट वहीं दें जहाँ आपको लगे कि हम, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा धर्म सुरक्षित है, वहाँ हमें वोट करना चाहिए। अपने वोट को ख़राब नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसी जगह किसी के भी कहने से किसी भी ऐसी पार्टी को कहीं भी नहीं डालना चाहिए जहाँ लगे कि आपका मतदान, आपका दिया हुआ दान सार्थक नहीं है, जहाँ लगे कि आपके वोट की कीमत आपको नहीं मिल रही, कि आपका वोट आपके देश के लिए नहीं जा रहा, देश के भविष्य के लिए नहीं जा रहा, वहाँ नहीं डाल। तो राजनीतिक उठापटक, सियासी घमासान, ये सब लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सब के साथ अब लोकसभा चुनाव का ये महामुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। चलिए, इसी के साथ ही हमारे खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।